दोस्तों आज की शुरू में बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के बारे में। कुछ सब्सक्राइबर यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि सर स्टेटस में ब्लॉक्ड बाय DW इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है, क्या हमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी और किस कारण से यहां पर ब्लॉक किया गया है, कैसे जनाब इसको सही करा सकते हैं, आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। ब्लॉक्ड बाय DW ये कॉलम आपको तभी दिखेगा जब आप बिना OTP के स्टेटस चेक करेंगे। बिना OTP के स्टेटस आप किस तरीके से अपनी पेंशन का चेक कर सकते हो, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। जब आप बिना OTP के अपना स्टेटस चेक करोगे तभी आपको अकाउंट रीवेरिफिकेशन का कॉलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपका ब्लॉक्ड बाय DW आ रहा है तो इसको आप किस तरीके से सही कराएंगे आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। दोस्तों अगर आपका भी ब्लॉक्ड बाय DW इस तरीके का आ रहा है, स्टेटस आप अपना पेंशन का चेक कर रहे हैं तो इस तरीके का आपको यहां पर दिखा रहा है तो आपकी पेंशन जो ना बंद कर दी गई है, रोक दी गई है, यानी कि जो ना आपको अपात्र कर दिया गया है, आपकी पेंशन स्टॉप कर दी गई। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ इनको जो ना कब पेंशन मिली थी, इसके बाद से इनको जो ना अभी तक पेंशन नहीं मिली हुई, तो यहाँ पर इनका स्टेटस में भी ब्लॉक्ड बाय DW इस तरीके का लिखा हुआ दिखा रहा है। अगर आपको कई महीनों से पेंशन नहीं मिली है, साल से पेंशन नहीं मिली तो आप अपना स्टेटस बिना OTP के चेक करिए, वहां पर आपका ब्लॉक्ड बाय DW इस तरीके का लिखा हुआ होगा, तभी जो ना आपको कई महीनों से पेंशन नहीं मिली, अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगर आपका ये लिखा हुआ दिखा रहा है ब्लॉक्ड बाय DW तो इसको जो ना आप कैसे सही कराएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको अपात्र किया गया है तो कारण आपका क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा हो, अन्य किसी पेंशन, या आप दो पेंशन ले रहे हो, विधवा पेंशन भी ले रहे हो या वृद्धा पेंशन भी ले रहे हो या दिव्यांग, अगर आपको दो पेंशन मिल रही तो यहाँ पर आपको ब्लॉक एक पेंशन कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रीजन जानने के लिए समाज कल्याण विभाग जाना है, वहां पर जाकर के अपना पता करना है कि आपको यहां पर किस कारण से ब्लॉक किया गया है, किस कारण से आपको अपात्र किया गया है। तो आपको समाज कल्याण विभाग जाना है, वहां से आपको रीजन पता करना है, सबसे पहले आपको किस कार्ड से अपात्र किया गया है, किस कार्ड से ब्लॉक किया गया है। रीजन पता करने के बाद आपको उस रीजन को सही कराना, अगर आप वाकई में पात्र पेंशनर्स हैं तो आपकी पेंशन दोबारा से चालू कर दी जाएगी और आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पिछला भुगतान भी आपको दे दिया जाएगा और जो पेंशन जब से स्टार्ट होगी तब से जो ना आपको पेंशन भी मिलेगी। सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग जाना है, वहां से आपको रीजन पता करना है, उसको आप जो ना आपको सही कराना है, किस कार्ड से ब्लॉक किया गया है आपको पता करना है और उसको जो ना आपको सही कराना है, ठीक है। तो दोबारा से पेंशन जैसे ही आपकी चालू हो जाएगी अपना स्टेटस चेक करते रहिए, यहाँ पर ब्लॉक्ड हट जाएगा और अकाउंट रीवेरिफिकेशन वाली कॉलम में डेट आ जाएगी जब आपका अकाउंट रीवेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ सुना आपको समाज कल्याण विभाग जाना है, जिसका भी यहाँ पर ब्लॉक्ड बाय DW दिखा रहा है, समाज कल्याण विभाग ऑफिस संपर्क करें, वहीं से होगा, ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है, चाहे वो आपकी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, आपको समाज कल्याण विभाग ही जाना होगा, ऑनलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, IGRS करना चाहते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा किस कार्ड से आपको जो ना ब्लॉक किया गया है, किस कार्ड से आपको अपात्र किया गया है। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो अपना यहाँ पर जो ना ब्लॉक बाय DW इसको सही करा लीजिए, उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। जब तक आपका ये ब्लॉक दिखाएगा तब तक आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगी, आपको पेंशन नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको जो ना पसंद आई होगी। थैंक यू वॉचिंग, बाय, टेक केयर।